योगी सरकार अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों को खोज खोज कर जब्त कर रही है। नोएडा में अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति मिली है, जिसकी कुर्की करने की तैयारी प्रशासन ने कर ली है। जल्द ही इस कोठी को कुर्क किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क की जाएगी कोठी। जिसने बीच सड़क पर राजू पाल को छलनी करवाया, जिसने उमेश पाल का भी वही अंजाम कराया, जिसके लिए जमीनों से सस्ती जान हुआ करती थी, जिसके लिए रौब और रुआब उसकी विरासत थी, वो था अतीक अहमद। अब ना तो अतीक अहमद है और ना उसका सियासी रसूख, लेकिन जिंदा है उसकी फियर फाइल्स और देश भर में फैला है अतीक का काला साम्राज्य। एक तरफ जहां अतीक काले साम्राज्य को लेकर उसके गुर्गों के बीच गैंगवार छिड़ा है, वहीं योगी सरकार भी लगातार बुलडोजर चलाकर अतीक के काले साम्राज्य को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। हाल ही में अतीक अहमद की 12 करोड़ 42 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क करने के बाद यूपी पुलिस ने कार्रवाई का दायरा अब बढ़ा दिया है। यूपी पुलिस की नजर नोएडा स्थित माफिया अतीक की कोठी मन्नत पर टिकी है। यूपी पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने जा रही है, इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही पुलिस टीम नोएडा में मुनादी कराते हुए करोड़ों रुपए की इस कोठी को कुर्क करेगी। माफिया अतीक अहमद की जो कोठी है मन्नत के नाम से, उस पे जो कार्रवाई है अब वो लगातार जारी की जा रही है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में। यही वो मन्नत कोठी है जो कि अतीक अहमद की कोठी है और इसकी जो कीमत है वो करोड़ों रुपए बताई जा रही है। अतीक की बेनामी संपत्ति को कुर्क करने के बाद में कार्रवाई का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। अब ग्रेटर नोएडा में स्थित माफिया की कोठी मन्नत पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में माफिया अतीक को वर्ष 1994 में ये मकान आवंटित किया गया था। उसके बाद में गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत इसको कुर्क कर दिया जाएगा। अब जो नोएडा की जितनी भी प्रॉपर्टी है अतीक की, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में माफिया अतीक अहमद को साल 1994 में एक मकान आवंटित हुआ था। उसी मकान में रहकर अतीक का एक बेटा नोएडा के नामी कॉलेज में पढ़ाई करता था। कभी कभार अतीक अहमद भी वहां आया करता था। इसी साल फरवरी में जब प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर्स की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की टीम संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही थी, इसी छापेमारी के दौरान मन्नत नाम की इस कोठी का पता चला। इस कोठी की कीमत कई करोड़ आंकी गई है। अब उसे भी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।